तो गाइस फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आ चुका है, जिसमें से मैंने लिया है एक छोटा सा 450 रुपए का पावर बैंक। आई नो इस साल मेरे पास नोकिया 3310 का भी बजट नहीं था, इसलिए मुझे ये लेना, लेकिन मैं इस परचेज से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक पहले से ही पावर बैंक की जरूरत था। तो इसको खोल के देखते है इसके अंदर ईंट है या फिर एक प्यारा सा पावर बैंक। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं कि इसका पैकिंग मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। सेलर ने इसके ऊपर एक पन्नी भी नहीं चढ़ाया, सोच सकते हो हरामी सेलर था वो। तो जो भी हो अंदर से ईंट तो नहीं निकला, लेकिन पावर बैंक जरूर निकला। और पावर बैंक के साथ इन लोगों ने एक यूएसबी केबल और एक कवर भी दिया है, जो कि इस प्राइस में अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो जल्दी से हमारा पावर बैंक को पन्नी में से निकालते हैं और दिखाते हैं आप। तो ये पावर बैंक बना तो है प्लास्टिक से, लेकिन इसके ऊपर की तरफ कुछ LEDs हेड को देख के आप बैटरी का पता लगा सकते हो। और इसका साइड में आपको देखने को मिलेगा 2 USB पोर्ट और 1 micro USB पोर्ट। तो मेरे फोन को चार्ज में लगाने के बाद फोन तो चार्ज हो रहा है। एस कंपनी को 10,000 mAh का क्लेम कर थोड़ा सा मुझे कम लगा।